जब मैं क्या बात कहता हूँ या ग्रैंड सैल्यूट देता हूँ तो मैं किसी को याद करता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ. इट्स नॉट गॉड, इज समथिंग दैट आई लाइक यू ऑल टू सी इट, हुम आई ऑलवेज आस्क समथिंग फॉर. किसको मैं पूछता हूँ ये बात. हैव ए लुक. That's Gita Ma's mother. आपसे ही पूछूंगा क्योंकि उन्होंने पूरा एक्ट देखा बाहर जी. ये एक्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मुगले आजम देख रही हूँ. गीतू माँ कैसा है? मैं थोड़ी सी शौक में हूँ दादा. Because she knows that I don't go anywhere. Yes. So today is a surprise for her that I'm here. I should thank you for that. Thank you so much for bringing me all the way here. It was a great pleasure. Thank you so much. And you know your daughter is so talented, very very talented. With all your people's blessings. She is very talented. The talent comes from you people. Every time you tell her God bless you and you know you give your blessings, that is how her talent comes out. बहुत अच्छी लड़की भी है, बहुत इमोशनल लड़की है. और ये सब कुछ आपसे मिला है. हर वक्त रोती रहती है. गीतू आप कुछ बोलो. थैंक यू दादा, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी माँ ऑफन कैमरा पे आती नहीं है और हर जगह मेरे साथ जाती नहीं है क्योंकि डजंट परमिट हर, हर हेल्थ डज नॉट. इनटू द सेम लेंस दादा. ओके देन, आज बेइज्जती तुम्हारी नहीं जय मेरी होगी. क्या बात, क्या बात, क्या बात. गीता माँ की डांसिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 3 साल की उम्र से शी स्टार्टेड डांसिंग. हम लोग बहुत बड़े घर में नहीं रहते थे, छोटे में रहते थे. तो ओनली प्लेस शी हैड कि वो पलंग के ऊपर खड़ी रह के डांस करती थी और पूरा टाइम देयर वाज नो ब्रेक. और मतलब गीता माँ का जो मंच था वो बेड था. अच्छा. और सबसे कहती थी हमको देखो हम डांस कर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि वो किसी और को नचाती है. परिमा, you are very proud of your daughter, aren't you? Very, very proud of her. देखो एक लड़की होके और ये सफर तय करके आज उस जगह जिस मकाम पे आई है. जी. Every mother, every father should be very. Every proud. And एक बात और कि मैं हमेशा दुआ करती हूँ, चाहे उसका बर्थडे हो या कोई नेक दिन हो, मैं उसको हमेशा ये दुआ देती हूँ कि बच्चा, सब माँ बाप को आपका जैसा बच्चा मिलना चाहिए. Thank you so much. Thank you so so Love much. You, mom. Thank you. दादा इन्होंने इतना बड़ा स्टोरी बता दिया कि मैं पलंग वलंग पे नाचती थी. लेकिन एक बात बताना शायद भूल गई है कि माई फर्स्ट स्टेप्स एज अ डांसर मैंने इनके पैरों पे पैर रख कर सीखा है. बिकॉज दैट इज़ हाउ शी यूज़ टू एंटरटेन मी. ज़्यादा जगह नहीं होती थी उस घर में तो मैं वो अपने पैरों पे मुझे खड़ा करती थी एंड शी यूज़ टू डांस एंड दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेप्स एज अ डांसर. सो स्वीट. बड़ी माँ, आप ऑब्वियसली हमारे सारे एपिसोड्स तो देखते होंगे. हाँ बिल्कुल देखते हैं. और जो हमारी जो नटखट सी गीता माँ जो है ना जी. वो हमारे बेचारे सेम टेकिंग अ साइड बेचारे मास्टर मर्जी की ना बहुत टांग खींचते हैं. पर बड़ी माँ, आई एम श्योर कि मास्टर गीता के भी कुछ ऐसे ही कुछ फनी कुछ तो होगा. जब गीता पैदा हुई थी तो मेरे खुद के बाल पहले बहुत कर्ली थे तो मुझे नहीं अच्छे लगते थे
और जब गीता पैदा हुई मैंने देखा कि इसके बाल सीधे सीधे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि भाई इसके बाल सीधे हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड आई जो ब्यूटिशियन थी, वो कहने लगी, कहती है कि इतनी खुश मत होना क्योंकि इसके बाल कर्ली होंगे आगे जाके। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने देखा इसके बाल कर्ली हो रहे हैं तो मैं उसके टाई चोटी बना देती थी। ये रोज़ सुबह उठ के अपने डैडी से कहती थी, कहती है इनको है ना मेरा पार्टिंग बनाने ही नहीं आता। शी नेवर मेक्स माई पार्टिंग स्ट्रेट, शी कुड नेवर से स्ट्रेट, तो कहती थी स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। सो आज से हम तो चुप कर नहीं, पर मेरा एक अल्फाबेट प्रॉब्लम है, तेरा तो वर्ड प्रॉब्लम है। मेरा भी वही अल्फाबेट का प्रॉब्लम है। एक और बात है दा, मॉम नहीं, गीता के बारे में नहीं, बड़ी माँ बोलो जल्दी। किसके बारे में पहले पूछो। एक बार गीता और हम जा रहे थे कलकत्ता, और फ्लाइट के अंदर एक न्यूली वेडेड कपल थी, तो मेरे ख्याल से वो पहली बार जा रही थी बॉम्बे से कलकत्ता बाई फ्लाइट। तो उसके हस्बैंड ने बताया उसको, कहता है देख अभी कलकत्ता आ गया। वो एकदम खड़ी हो गई, कहती उड़ी बाबा कलकत्ता। मास्टर जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन घूम फिर के ये आपकी तरफ पता नहीं क्यों कलकत्ता अब स्ट्रेट स्ट्रेट आपकी तरफ ही आया। एक्चुअली कर दे, आई लाइक दैट बोल दे एक बार स्ट्रेट स्ट्रेट। कितना एम्फसाइज करना पड़ा वो ट पे, जरा जल्दी में बोलना चाहिए। बोल दे, स्पीड में नहीं आता है उसका भी तो ही प्रॉब्लम है। नहीं दादा, उसका जेन्युइनली अलग प्रॉब्लम है, मेरा सिर्फ एक वर्ड का प्रॉब्लम है। उसका तो काबरा है। चल करेक्ट, चलो रेडी, थैंक यू, एक बार बोल दो। चलो स्ट्रेट, गुड, वेरी गुड।